प्रेजेंट बाय डीएससी लाइव कवरेज। और दो चार दस दिन बटने आनंद में रिया, बाकी फिर चचू भाड़ जी भगवान देव नारायण जी ने के बाद लागा के ओ नारायण अब कब तक रुकोगा मामा जी का देश, अब चलो नगर गोठा के उजड़ खेड़ा बसाओ, आपके पिताजी का धन 52 गांव का राजा महाराजा लूटी लेगा है, वो सब धन खजाना गोट में एकत्रित कर दो। 12 वर्ष से खेड़ा पे बड़ी बड़ी खेजड़ी होगी है, भैरू जी नी पूजिया गांव का गामोंड देवी देवता, आप पधारो रे साडू माता का, ये ठाका खेड़ा उजड़ पड़िया रे लीला घोड़ा का। भगवान देव नारायण बोलिया के ठीक है भाड़ जी, आप अगर केरिया हो तो आप गड़गोट ने चलबा की तैयारी अपन भी कर ला, पर ऐसा नहीं जाऊंगा जब तक मारा बुजुर्गों को आदेश नहीं होएगा तब तक मैं गोट नगर नहीं जाऊंगा। कि अभी कहां जाओगा कि पहला मैं मारा नाना जी के पास जाऊंगा। भगवान देव नारायण जी ने ये करके दिखाया कि चाहे मैं भगवान हूं बाकी मैं बड़ों का सम्मान करता हूं। इसलिए यह कथा यहाँ यूं इशारों कर रही कि भगवान ने अपना नाना जी से आज्ञा मांगी तो आप और हमको तो सौ सौ बार आज्ञा मांगना चाहिए। ध्यान रहे, कथा के खाली कहानी सुनने में आनंद नहीं रहे, कथा को कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ना चाहिए तो कथा। आइए नारायण गादीरा पूजन भाई लाड सिंह जी मालवी जी की ओर से हो रहा है, जोरदार ताली हो जाए। कथा को कहीं ना कहीं हमारा जीवन में प्रभाव पड़ना चाहे, मैं नव युवकों से निवेदन करता हूँ, व्यासपीठ पे बैठ रहा आपसे निवेदन करूं कि जरूर अपना जीवन में उतार जो, सुन जो अब आगे देव महाराज अपना नाना जी के पास में जा रहे हो। आइए नाना जी के पास देव नारायण भगवान गया है, ध्यान दीजिएगा भगवान होकर के, नहीं तो साफ उनके कोई से पूछने की जरूरत है कि बाकी नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। चाहे नारायण है पर नर रूप में उन्होंने लीला बताई, वो मर्यादा का पालन करने वाले जी भगवान। आइए भाई साहब विकास जी पाटीदार जी,
आप श्री के लिए जोरदार ताली हो जाए। भगवान नारायण का जीरा पूजन किया, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, विराजिएगा। जय हो। आइए उस समय पर देव बाबा नाना जी रा दो ही हाथ जोड़ लिया है और कई भगवान नारायण अपना नाना जी से केवे है। हर्ष कर हो कमा दई दो नाना सा अरे जावा रंगीली गोट हंसकर के होकम दे दो नानो सा, अब मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। अब मारो मन अटने नी लागे, मारो चंद नी लागे मामा देश के। अब मन में बसकी रंगीली, गोट नगर में जाना है और उजड़ खेड़े को बसाना है। यह बात सुन करके भगवान देव नारायण ने ये बात कही तो कई नानो सा केवे है और कई नारायण भगवान होने हैं। देखा नाना जी को भी बड़ो
भाव तो देव नारायण भगवान के प्रति जय देव महाराज के साथ जय दरबार।